नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। जनपद अमेठी से इस वक्त की खबर। भाजपा के बागी सदाशिव पांडे ने स्वतंत्र रूप से लिया पर्चा, 30 वार्ड के लिए ठोकी ताल। भाजपा की स्थापना के समय से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व जिला कार्य समिति के प्रथम मंडल अध्यक्ष ने जिला पंचायत चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज होकर स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए आज बृहस्पतिवार को वार्ड नंबर 30 के लिए जिला पंचायत सदस्य पद के लिए पर्चा खरीदा। उन्होंने बताया है कि पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, भाजपा पार्टी जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। तब से मैं इस पार्टी का सदस्य हूं। मैंने पूर्व में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीता। विधानसभा चुनाव में हमने संयोजक व प्रभारी पद का दायित्व बड़ी ईमानदारी से संभाला है। 2010 में सपा पार्टी को 4,765 वोटों के अंतराल से हराया था। 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी विधानसभा संयोजक का दायित्व संभाला। 2017 में माननीय विधायक का संयोजक बनकर पार्टी को जीत का तिलक लगाया। 2019 लोकसभा में विधानसभा गौरीगंज का प्रभारी बनाया गया। इसी पार्टी को अपना परिवार समझ रहा था। आपातकाल में जेल भी जाना पड़ा। संगठन गठन चुनाव में कई मंडलों का चुनाव अधिकारी रहा, लेकिन पार्टी ने हमारा त्याग एक तरफ रखकर हमारा टिकट काट दिया। लेकिन जनता की चाह ने आज हमें नामांकन पत्र लेने को मजबूर किया है, इसीलिए आज हम वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। समाचार ए टू जेड के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। सदाशिव पांडे एडवोकेट। कहाँ घर है आपका? मेरा घर इसी संग्रामपुर में है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ और यहीं पर मैं बढ़ा पला पढ़ा। आपका आपने आज वार्ड नंबर 30 से डीडीसी के लिए नामांकन पद के लिए नामांकन पत्र खरीदा है, तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी से भी कयास लगाए थे, आपको उम्मीदें थी, लोगों को मानना था, आपको टिकट नहीं मिला, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और क्या नाराजगी है पार्टी की? ऐसा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अभ्युदय काल से मैं कार्य करता हूं और सुल्तानपुर जनपद से लेकर के अमेठी जनपद तक तमाम सारे जनपदीय पदों पर मैं रहा और इसका उसका निर्वाहन किया निष्ठापूर्वक। परंतु कुछ लोगों के कहने पर धांधली बस पार्टी जनता पार्टी ने मुझे संगठन ने टिकट नहीं दिया और यहां का टिकट बेच लिया पूंजीपति के हाथ और इसलिए मैं क्षुब्ध होकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट न देने पर, संग्रामपुर की जनता की आवाज पर, संग्रामपुर का बेटा होने के नाते मैं संग्रामपुर की आशा हूं, इसलिए मैंने नामांकन पत्र आज खरीदा और इंडिपेंडेंट रूप से मैं नामांकन पत्र दाखिल करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संग्रामपुर की जनता जैसे 2000 में मेरी पत्नी स्वर्गीय विभा पांडे को चुना और 2010 में मुझे इसी संग्रामपुर से जिला पंचायत चुना और एक अच्छे जिला पंचायत के रूप में मैंने विकास कार्य किया। संग्रामपुर की धरती पर नहीं, माँ कालिकन धाम के चारों तरफ पत्थर आज भी ये दिखाई दे रहे हैं कि मैंने निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया, इसलिए मुझे संग्रामपुर की जनता निश्चित सराखों पर रखे हुए है और उसका विश्वास है कि आए हुए बाहरी व्यक्ति को, पूंजीपति को संग्रामपुर की जनता निश्चित पराजित करेगी और मुझे निश्चित विजय दिलाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करूंगा और चुनाव लड़ूंगा।